बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 9 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट को करने से पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। ट्रांसफ़र का मतलब होता है कन्वर्ट करना, ठीक है, कन्वर्ट करना। हीट क्या होती है? हीट होती है एनर्जी की सूरत में होती है, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं, यानी हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हीट को कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट में हम क्या देखेंगे कि हम हीट को किस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती क्या। यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, समझिए इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करने लगे हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? थर्मल एनर्जी कन्वर्ट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अब इसमें हम क्या करते हैं, हमेशा याद रखिए कि कब आपके पास जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा कन्वर्ट होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। ये आपने याद रखना है। जब भी थर्मल एनर्जी का क्या मतलब होता है? थर्मल एनर्जी का मतलब होता है कि हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम उसमें टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ही हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास जो हीट होती है वो क्या करती है, हॉट बॉडी से किस में कन्वर्ट हो जाती है, कोल्ड बॉडी में। और इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। बेसिकली हीट ट्रांसफ़र करने के 3 वेज होते हैं, ठीक है। कितने वेज होते हैं हमारे पास? 3 वेज होते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट करने के। सबसे फर्स्ट वन होता है कंडक्शन, सेकंड होता है कन्वेक्शन, और थर्ड क्या होता है, रेडिएशन। ये 3 वेज हैं जो क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफ़र करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। अब हम इसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं छोटी सी, कि यहाँ पे हम हीट को किस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं। अब सपोज़ करते हैं कि हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी में जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है ना, हम इसको समझते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। ओके स्टूडेंट, ये मैंने एक ड्रा से डायग्राम ड्रा कर दी है। अब मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ ये क्या है। यहाँ पर ये एक फायर है, ठीक है, आग लगी हुई है, आग लगती है। जैसे ही आग की वजह से क्या निकलती है, ये जो आपके पास होती हैं ये सारी होती हैं, ये किस वजह से हो रहा होता है, ये सब हो रहा होता है कन्वेक्शन की वजह से। कन्वेक्शन में क्या होते हैं कि मालिक्यूल से हीट क्या हो रही होती है, ट्रांसफ़र। अब यहाँ पे क्या होता है कि लोहे की रॉड है, ठीक है, इसको हम कह देते हैं आयरन रॉड है, ठीक है। आयरन रॉड का ये वाला हिस्सा कोल्ड है, ठंडा है, और ये वाला हिस्सा जब हम इसको फायर के साथ कनेक्ट करते हैं तो ऐसा ऐसा ही वाला हिस्सा गर्म होना शुरू हो जाता है और उसके मालिक्यूल्स क्या करते रहते हैं, हीट ट्रांसफ़र करते जाते हैं। तो ऐसा ऐसा ये वाला हिस्सा भी गर्म होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो फिनोमिना हो रहा होता है वो आपके पास हो रहा होता है कंडक्शन का फिनोमिना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब आग लगी होती है तो ये क्या कहती है, आपके पास रेडिएशन यानी वेव्स के फॉर्म में जाकर हाथों को गर्म कर दिया। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारे पास क्या फिनोमिना हो रहा है, ये हमारे पास हो रहा है रेडिएशन। बेसिकली जो कंडक्शन होती है वो सॉलिड्स में होती है और वो मालिक्यूल्स में की हीट को ट्रांसफ़र करती है। कन्वेक्शन होती है, कन्वेक्शन एक्चुअल मूवमेंट होती है मालिक्यूल्स की, जिस तरह मालिक्यूल्स मूव करते जाते हैं उस तरह हीट को ट्रांसफ़र करते जाते हैं। और रेडिएशन का फिनोमिना क्या होता है, रेडिएशन होती है कि हीट को वेव्स की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सबसे पहली टाइप यानी कंडक्शन के बारे में, कि कंडक्शन का फिनोमिना क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले कंडक्शन देख लेते हैं कि कंडक्शन होती क्या है। इसको करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन होता है द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड। आपने हमेशा याद रखना कि कंडक्शन जो होती है वो किस में होती है, वो सॉलिड्स में होती है। और किस वजह से होती है कि वाइब्रेट, जब भी हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। कहाँ से लेकर कहाँ तक, कोल्ड बॉडी की तरफ। अब हम इसके एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल बहुत ईजीली तौर पर हम इसको समझ सकते हैं, डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब सपोज करते हैं कि हमारे पास एक स्पून है, ये देख रहे हैं, सपोज करते हैं ये हमारे पास क्या है, एक स्पून है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैं इस वाले स्पून की इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं,
फायर पे रखती हूँ, आग पे रखती हूँ, यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, इसे यहाँ से मैं करती हूँ ही, इसको हीट प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से इसको हीट प्रोवाइड करूँगी, जैसे ही मैं यहाँ से हीट प्रोवाइड करूँगी तो क्या होगा, इसका ये वाला हिस्सा क्या होगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा। मेटल और सॉलिड्स की बनी होती है, तो इट्स मीन इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जैसे ही हीट मिलेगी वो क्या करेंगे, आगे आगे हीट को ट्रांसफ़र करते जाएंगे और एट द एंड वो क्या करेंगे, दूसरी साइड की बॉडी को भी गर्म करना शुरू कर देंगे। यानी बेसिकली इसे हमें क्या पता चलता है कि हीट कहाँ से कन्वर्ट होती है, हीट हमेशा हॉट टू कोल्ड बॉडी कन्वर्ट होती है। आपने ये अपनी डेली लाइफ में भी देखा होगा कि जब हम स्पून पकड़ते हैं तो हम स्पून को हीट के अंदर थोड़ा सा रखते हैं, अगर आप चाहें तो एक्सपेरिमेंट भी करने कर सकते हैं। जब आप चम्मच का इतना सा हिस्सा आगे की तरफ रखेंगे, आग के ऊपर रखेंगे, तो ये क्या करेगा, गर्म होगा। गर्म होने के साथ साथ बाद में आपको इसका जो बैक वाला हिस्सा होता है वहाँ पर भी ये हॉट हॉट महसूस होगा। इट्स मीन इसका मतलब क्या है कि हीट जो सी है वो हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र हो चुकी है। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास कंडक्शन और आप इसकी एग्जांपल ये दे सकते हैं। अच्छा, आप कंडक्शन में हमेशा याद रखिएगा कि जो कंडक्शन होती है वो बेसिकली होती है हमारे पास सॉलिड्स में। आपकी बुक में एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ, व्हाट हैपेंस व्हेन एंड ऑफ इट्स हीट। अब उन्होंने पूछा हुआ कि जब आपके पास बॉडी का एक एंड हीट अप हो जाता है, मैं वो उस क्वेश्चन का आंसर इतने से ही दे देती हूँ आपको, तो तब क्या होता है। अब देखिए, सॉलिड्स के पार्टिकल्स क्या होते हैं, आप लोगों को पता है सॉलिड्स में जो होते हैं पार्टिकल्स वो स्ट्रांगली होते हैं, स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, वो भी स्ट्रांगली अटैच होते हैं। जैसे ही हम सॉलिड का एक हिस्से को गर्म करते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। इनकी वाइब्रेशन क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है, टकराने के बाद अपनी हीट को क्या करता है, दूसरे को ट्रांसफर करता है, दूसरा तीसरे को करता है, इसी तरह वो क्या करते हैं, आगे अपनी हीट को ट्रांसफर कर देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जैसे ही हम सॉलिड्स को हीट अप करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, When we heat solid atoms or molecules collide and transfer heat to other, और एक दूसरे को हीट ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है स्टूडेंट। इसी वजह से हमारे पास क्या होती है, जैसी बात है, जब इसी हीट ट्रांसफ़र करेंगे तो इनकी जो वाइब्रेशन होगी वो भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी हाई हो जाएगी। हाई वेलोसिटी होने की वजह से क्या करते हैं, वो हीट को एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछा हुआ है, हाउ डज देन हीट फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट ऑफ द मेटल सो रैपिडली देन नॉन मेटल। अच्छा, अब इसमें उन्होंने क्या कहा है कि मेटल में हीट ट्रांसफर जो है वो जल्दी हो जाती है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल। इसका भी आंसर यहाँ पे ही बता देते हैं कि जो मेटल्स होते हैं ना आपके पास, मेटल्स उसमें क्या मौजूद होता है, उसमें आपके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इसलिए जब से ही आप इनको हीट अप करते हो ना मेटल को, तो वो फौरन क्या करते हैं, हीट को अब्सॉर्ब करते हैं और आगे ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स की बात करते हैं अगर हम, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल में जो है ना, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से वो हीट को ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाते। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो हीट को रैपिडली ट्रांसफ़र करते हैं क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही हम उसको गर्म करते हैं तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, उनकी वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, ठीक है, हाई वेलोसिटी हो जाती है, जिसकी वजह से वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए कि मेटल्स हैं, मेटल क्या होते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं क्योंकि वो हीट को अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हीट को अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं। इनकी एग्जाम्पल्स आपके पास, सबसे जो बेहतर एग्जाम्पल है वो आपके पास आयरन है, और जो नॉन मेटल है उसकी जो सबसे बेहतर एग्जाम्पल है वो वुड है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। और आप लोगों को पता है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को ईजिली कंडक्ट कर सकते हैं, और इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसी वजह से जो हम कंडक्टर्स में आयरन की एग्जाम्पल दे सकते हैं, मेटल्स की एग्जाम्पल दे सकते हैं, और नॉन मेटल्स में वुड की एग्जाम्पल दे सकते हैं, रबर की एग्जाम्पल दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट, हमारे पास कंडक्शन का टॉपिक आज यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।